बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल राज इंग्लिश में। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं राज इंग्लिश YouTube चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पढ़ेंगे द रेट्रिट, एक पोएम है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका समरी इस वीडियो में पूरी देखेंगे। फ्रेंड्स, द रेट्रिट, यहाँ पे जो रेट्रिट शब्द है, इसका अगर हम हिंदी मीनिंग निकालें तो इसका मतलब होता है पीछे की ओर जाना, एज ए वर्ब यूज़ करें या एज ए नाउन यूज़ करें तो पीछे की तरफ। अब फ्रेंड्स, हम अपने पीछे की तरफ नहीं, बात इस वर्ड के कहने का मतलब ये नहीं कि अपने पीछे, मेरे पीछे। फ्रेंड्स, पीछे का अर्थ यहाँ पर ये है, यहाँ पर टाइम को इंडिकेट कर रहा है, एज को इंडिकेट कर रहा है कि यदि हम 10 साल के हैं और 5 साल पीछे हम जा रहे हैं, यानी 5 साल के जब हम हो रहे हैं 10 साल से 5 साल के, तो वहाँ पर हम पीछे जा रहे हैं 5 साल बैक। और द रेट्रिट यहाँ पर उस शब्द का जो हिंदी सेंस है वो पीछे का है। फ्रेंड्स, वो इसलिए क्योंकि इसके इस पोएम के राइटर है हेनरी वागन। और फ्रेंड्स, हेनरी वागन इसलिए अपने पीछे की ओर जाना चाहते हैं क्योंकि वो जिस अवस्था में है, यंग है, युवा है, लेकिन फ्रेंड्स उनको ऐसा लगता है कि जो बचपन की जो एज होती है, जब बच्चा छोटा सा रहता है तो उसको हेवनली एज पोएट बोल रहे हैं, क्योंकि पोएट को ऐसा लगता है कि उस एज में बच्चा ना किसी का दिल दुखाता है, ना किसी को अपशब्द बोलता है, और ना ही दुनिया की तरह सोचता है, ना ही दुनिया में कुछ ऐसा काम करता है जिससे दुनिया का भला हो, अर्थ का भला हो। पोएट ये मानते हैं कि उस एज में बच्चा जो होता है वो गॉड के पास होता है और वो पूरा प्योर होता है, शुद्ध होता है, उस वक्त वो स्वर्ग में होते हैं। और फ्रेंड्स, जब पोएट इस अवस्था बचपन से बाहर आ चुके हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया पूरी पाप से भरी हुई है, यहाँ हर तरफ पाप ही पाप भरे हुए हैं, और इसको देख करके पोएट बहुत ही बहुत उदास है। और पोएट चाह रहे हैं कि वो फिर बचपन फिर उसको मिल जाए, और इस पोएम में सारी इसी मैटर पर जो भी बात बोली गई है, इसी मैटर पर बोली गई है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में पूरे समराइज करेंगे उस पोएम को। फ्रेंड्स, आप यदि अनर्स के स्टूडेंट हैं या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम के, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही सरल भाषा में उस पोएम का एक्सप्लेनेशन, उस पोएम का समरी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, और उसका हिंदी क्या होता है उसका हिंदी ट्रांसलेट करके आपके सामने पेश करूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, द रेट्रिट इज अ डिवोशनल लिरिक रिटन बाय हेनरी वागन। फ्रेंड्स, ये जो द रेट्रिट है, ये क्या है, एक डिवोशनल लिरिक है। डिवोशनल लिरिक का मतलब होता है भक्ति गीत, वैसा गीत, वैसा पोएम जो भगवान के लिए गाया गया हो, जो भगवान से जुड़े ही, गॉड से जुड़े ही बातें उसमें कही गई हो। तो ये एक डिवोशनल लिरिक है रिटन बाय हेनरी वागन, और इनको हेनरी वागन ने लिखा है। हु इज रिगार्डेड, जिसको माना जाता है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी का एक अच्छा ग्रेटेस्ट, एक महान कवि माना जाता है, आध्यात्मिक कवि इनको माना जाता है 17वीं शताब्दी का। आगे देखिए, द पोएम इज रूटेड इन दैट बिलीफ, यह पोएम उस विश्वास पर टिकी हुई है कि दैट मैन लाइफ ऑन द अर्थ इज नॉट द फर्स्ट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि इंसान जब दुनिया में आता है, पृथ्वी पर आता है, पैदा होकर के आता है, तो पोएट का कहने का मतलब ये है कि इंसान जिस दिन पैदा होता है, अगर वो सोचता है कि वो उसी दिन आया है, तो ऐसा नहीं है, ये पोएट बोल रहे हैं, क्योंकि पोएट का मानना है कि उनका आत्मा जो है ना, वो भगवान के पास होता है और वो दुनिया ही में कहीं ना कहीं घूमता रहता है, और पोएट ऐसा मान रहे हैं। जैसा कि लाइन में बोला गया है कि मैन लाइफ ऑन द अर्थ, इंसान की जिंदगी ज़मीन पर इज नॉट द फर्स्ट, वो पहली नहीं होती है ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, उसके आ जाने से, यानी इससे कहने का मतलब है कि उनसे पहले भी होती है एक आत्मा के रूप में। आगे देखिए, ही लिव्ड बिफोर ही वॉज बोर्न हियर, वो यहाँ पर रहते थे पैदा होने से पहले यहाँ, एंड ही कम्स टू द अर्थ विद द मेमोरीज ऑफ दैट इज बिहाइंड हिम, वह उस यादों के साथ आता है जो उसके पीछे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि इंसान पैदा होने से पहले इस दुनिया में तो रहता है, लेकिन उस अवस्था में जो चीज़ें होती हैं, जो भी बातें गॉड के साथ होती है या नेचर के साथ होती है, वो पैदा होने के बाद उन्हीं यादों के सहारे इंसान इस दुनिया में आता है, पृथ्वी पर आता है, ऐसा पोएट का मानना है। आगे देखिए, देयरफॉर, इसलिए द रेट्रिट इज़ अ पोएम ऑफ
recollection in which the poet recollects in detail all the happy and sweet memories of his childhood with a spiritual optimism. इसलिए यह जो poem है द रिट्रीट यह एक यादों का poem है सिर्फ जिसमें याद किए जा रहे हैं वो बचपन के दिन याद किए जा रहे हैं यादों का poem है याद से भरा हुआ poem है द पोएट recollects. पोएट उस यादों को याद कर रहे हैं इन डिटेल एकदम डिटेल में ऑल द हैप्पी एंड स्वीट मेमोरीज वह मीठी और खुशी भरी यादों को ऑफ हिज चाइल्डहुड अपने बचपन का विथ स्पिरिचुअल ऑप्टिमिस्ट आध्यात्मिक आशीर्वाद के साथ आगे देखिए वॉगन्स फर्स्ट लव इन हिज पोएम द रिट्रीट इज गॉड. ये जो द रिट्रीट पोएट है इसमें जो वॉगन का फ्रेंड्स आपने देखा होगा बहुत सारे पोएट का पोएम पढ़ा होगा तो उसमें आपको हर पोएट लगभग अपने गर्लफ्रेंड के बारे में जिक्र किया है उन्होंने कि मेरा ये लव था फलाने फलाने जो भी था वहाँ पर. लेकिन यहाँ पर इस पोएम में पोएट बोल रहे हैं कि द रिट्रीट पोएम जो है इसमें जो उनका फर्स्ट लव है वो गॉड है. वो गॉड से सबसे पहले वो गॉड से प्यार करते हैं और चूँकि ये डिवोशनल लिरिक है भक्ति गीत है इसलिए यहाँ पर गॉड को यहाँ पर याद कर रहे हैं उनका फर्स्ट लव गॉड को ही मान रहे हैं हेनरी वॉगन. फ्रेंड्स आगे देखिए ही रिकलेक्ट्स वह याद करता है हिज अर्ली डेज वह अपने जीवन के शुरुआती दिनों को व्हेन ही वॉज स्टिल अ चाइल्ड जब वह एक बच्चा था एंड हैड हार्डली मेड एनी प्रोग्रेस इनटू वर्ल्डली एग्जिस्टेंस और उसने विश्व के अस्तित्व में शायद ही कोई प्रगति की हो. मतलब उतने नन्हे मुन्हे बच्चे की अवस्था में पोएट याद कर रहे हैं जब एक बच्चा इस दुनियावी काम को करने के लायक नहीं होता है उनको ये समझ नहीं होता है कि ये जो काम है ये दुनियावी है या गॉडली है. फ्रेंड्स उन दिनों को ये पोएट याद करके बता रहे हैं अभी. आगे देखिए ही कुड हैव अ ग्लिम्स ऑफ गॉड्स ब्राइट फेस व्हेनेवर ही लुक्ड बैक. अब पोएट यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब भी वह पीछे मुड़कर देखते थे तो वह परमेश्वर के उज्जवल चेहरे की झलक पा सकता था. लेकिन फ्रेंड्स अब चूंकि बचपना से निकल चुके हुए हैं और उनका दिमाग माइंड जो है वो दुनियावी हो चुका है इसलिए अब वो देख नहीं पा रहे हैं भगवान से दूर हो गए हुए हैं. आगे देखिए एट दैट टाइम उस समय हिज सोल हैड नथिंग बट अ वाइट सेलेस्टियल थॉट. अब उनके आत्मा के पास कुछ नहीं है एक वो सेलेस्टियल थॉट एक पवित्र सोच एक दैवीय थॉट के अलावा उनके आत्मा के पास कुछ नहीं है वो हर चीज़ खो चुके हुए हैं. आगे देखिए टू मेक हिज आइडिया क्लियर द पोएट यूजेस द इमेज ऑफ अ ट्रेवलर. अब अपनी बातों को और अच्छे से क्लियर करने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए पोएट एक ट्रेवलर शब्द का यूज़ कर रहे हैं जिसका हिंदी मीनिंग होता है यात्री. फ्रेंड्स ट्रेवलर शब्द का यूज़ इसलिए यहाँ पर पोएट कर रहे हैं क्योंकि पोएट का ऐसा मानना है कि अवस्था जो होती है लाइफ की युवा किशोरावस्था युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था ये एक अवस्था है तीन अवस्था है. लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह अपने अच्छे घर से अपने अच्छे निवास स्थान से वह बहुत ही दूर जा चुके हैं क्योंकि पोएट का मानना है कि वह भगवान के पास थे अब युवा अवस्था में आ चुके हैं तो वह भगवान से बहुत ही दूर हो चुके हैं. आगे देखिए Here poet wants to make it clear that the child always lives near God. अब यहाँ पर poet यह clear कर देना चाह रहे हैं कि एक जो child होता है जो बच्चा होता है वो हमेशा God के पास ही रहता है God ही उसे हंसाता है खिलाता है God ही उससे बात करता है जब एक छोटा बच्चा होता है तो. But as the burden of worldly existence grows upon him. लेकिन अब वो बचपन से वो निकल चुके हैं और ये जो दुनिया की बोझ है उनके ऊपर लग चुकी है उनके ऊपर सवार हो चुकी है. एंड ही लॉसेज द डिवाइन विशेज. अब और फ्रेंड्स यहाँ पर जो पवित्र चेहरा पोएट ये भी बोल रहे हैं कि बचपन की जो फेस होती है बचपन का जो चेहरा होता है वो एक दैवीय चेहरा होता है डिवाइन फेस होता है और उनको भी किशोरावस्था से बचपन से आगे निकल करके उनको भी खो दिया है ऐसा पोएट का मानना है. और आगे एक लाइन में ये भी बता दिया गया है कि दिस हैपन टू द पोएट ऑल्सो और ये सारी घटनाएँ पोएट के साथ भी हुआ है. आगे देखिए द अडल्टहुड टूक अवे द डिवाइन विजन ऑफ चाइल्डहुड फ्रॉम हिम. अब फ्रेंड्स यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि जो बचपना का जो नज़रिया होता है बचपना का जो सोच होता है बचपन में जो बच्चा सोचता है
जो उनका दिखने का नजरिया होता है वो पूरा पवित्र होता है, डिवाइन विजन। लेकिन जैसे ही युवा अवस्था में आदमी एंटर करता है और वो दुनिया के नज़रिए से दुनिया को देखने लगता है, तो उसमें कुछ ना कुछ पाप उसके अंदर जरूर घुस जाता है, कुछ ना कुछ दोष उसके अंदर आ ही जाता है। और पोएट बोल रहे हैं कि वो जो द डिवाइन विजन ऑफ चाइल्डहुड, वो जो बचपन का जो नज़रिया था, वो जो पूरी डिवाइन था, उनको भी पोएट ने खो चुका है, ऐसा वो बता रहे हैं। इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन, इस अवस्था में वैगन्स लीड टू मूव बैकवर्ड बिकॉज फॉरवर्ड इन टाइम लीड्स टू सीन बट द बैकवर्ड मोमेंट लीड्स टू इनोसेंस। अब इन क्रिटिकल सिचुएशन में, इस अवस्था में, चूंकि पोएट का मानना है कि बचपन से तो वो निकल चुके हैं और अब पाप दोष उनके अंदर भर चुका है, तो अब यहाँ पर पोएट वैगन प्लीड्स टू मूव बैकवर्ड, अब यहाँ पर पोएट फिर पीछे की तरफ जाना चाहते हैं, वही बचपना में, वही गॉड के पास, फिर बचपना की लाइफ जीना चाहते हैं। क्योंकि बिकॉज फॉरवर्ड, यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिकॉज फॉरवर्ड इन टाइम, इस समय में आगे की तरफ, प्लीज टू सीन, आगे की तरफ जाना वो एक पाप भरा जीवन होगा, बट द बैकवर्ड मोमेंट, लेकिन पीछे की तरफ जाना लीड्स टू इनोसेंस, पीछे की तरफ जा रहे हैं यानी मासूमियत की तरफ जा रहे हैं, पाप मुक्त होगा, वह दोष मुक्त होगा, फिर वो पूरा इनोसेंस होगा, भगवान के साथ उनकी बातें होगी और दुनिया से वो दूर रहेंगे और कोई पाप उनके साथ उससे नहीं होगा। और इस बात को पोएट बोल रहे हैं। आगे देखिए, द पोएट पॉइंट्स आउट दैट ड्यूरिंग इन्फेंसी, पोएट ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि शिशु अवस्था में द चाइल्ड इज होली प्योर एंड इनोसेंट, कि शिशु अवस्था में जो बच्चा रहता है वो पूरा शुद्ध होता है और पूरा ही ईमानदार होता है, पूरा ही भोला होता है वो। आगे देखिए, थ्रू हिज इंटायर बॉडी अ ग्लीम ऑफ डिवाइन प्योरिटी कम्स आउट, इसका मतलब है कि फ्रेंड्स, कि उनके पूरे शरीर से दिव्य झलक की शुद्धता मिलती है, पूरी तरह से शुद्ध होता है एक छोटा सा बच्चा, थ्रू हिज इंटायर बॉडी, उनकी पूरी बॉडी अ ग्लीम ऑफ डिवाइन प्योरिटी, एकदम शुद्ध होती है और पूरा झलकता है, नजर आता है। फ्रेंड्स आगे देखिए, ही विजुअलाइज द हैप्पी कंपनी, फ्रेंड्स हैप्पी कंपनी से पहले हैप्पी लगा लीजिए, यहाँ पर छूट गया है। ही विजुअलाइज द हैप्पी कंपनी एंड इनलाइटेंड स्पिरिट्स व्हाट ही कॉल्स द ग्लोरियस ट्रेन, अब फ्रेंड्स यहाँ पर पोएट कल्पना कर रहे हैं वो खुशी जो उनके साथ था और वो प्रबुद्ध आत्माएं उनके साथ था, जिसे वो ग्लोरियस ट्रेन बोलते थे, शानदार ट्रेन अगर इसका हिंदी निकाले तो, लेकिन उनके अनुसार जो भी हो, द ग्लोरियस ट्रेन, उन यादों को, उन खुशी भरी समय को पोएट याद कर रहे हैं, जिसे पोएट द ग्लोरियस ट्रेन बोलते हैं, वो उनको कल्पना कर रहे हैं, होम ही हैड लेफ्ट बिहाइंड, जिसे पोएट ने पीछे छोड़ दिया है युवा अवस्था में आकर, शिशु अवस्था से निकल करके। लेकिन फ्रेंड्स ये तो गॉड के हाथ में है, लेकिन पोएट यहाँ पर डिस्क्राइब इसको कर रहे हैं। आगे देखिए, ही ऑल्सो रिमेंबर्स द सीनिक ब्यूटी ऑफ हेवन पिक्चर्ड एज अ सैड सिटी ऑफ पाम ट्रीज एंड वांट्स टू गो बैक देयर, और फ्रेंड्स यहाँ पर जो पोएट है वह दर्शनीय सुंदरता को याद कर रहे हैं, हेवन पिक्चर्ड, वो पिक्चर, वो तस्वीर है जो स्वर्गीय पिक्चर थी, स्वर्गीय चित्र थी, एज ए सैडी सिटी ऑफ पाम ट्रीज, और वो बड़ी बड़ी छायादार पेड़ जो एक जन्नत में होती है, एक हेवन में होती है, पाम ट्रीज जो लंबी लंबी पेड़ होती है, तार, पाम ट्रीज का एक हिंदी तार भी होता है, जो ऊपर एकदम छत की तरह होती है और वो छायादार होती है, तो उनको यहाँ पर पोएट एज ए सैडी सिटी ऑफ पाम ट्रीज, तार के पेड़ों का छायादार शहर, इसका मतलब यहाँ पर निकाले तो हो रहा है। तो पोएट का कहना है कि ये सारी चीज़ जन्नत में थी, हेवन में थी, और वो जो बचपन में जब थे तो ये सब दिखाई देता था, और वो पृथ्वी पर आने से पहले उन जगहों पर वो जा चुके थे, और फिर एंड वांट्स टू गो बैक देयर, और फिर से वहाँ जाना चाह रहे हैं पोएट, बट सडनली ही रियलाइज, फिर अचानक से उनको ये महसूस होता है कि दैट ही इज गोइंग बैक टू द हेवनली डेज ऑफ चाइल्डहुड, उनकी जो स्वर्गीय दिन है बचपना की, वहाँ जाना इज नॉट पॉसिबल नाउ, अभी संभव नहीं है, बिकॉज ही डज नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ द रिट्रीट, क्योंकि वह जो कंडीशन है रिट्रीट की वह फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। नाउ एज ए स्टेइंग इन दिस वर्ल्ड फॉर लॉन्ग हैज मेड हिम वर्ल्डली माइंड, क्योंकि दुनिया में वो बहुत दिनों तक चूँकि लॉन्ग फॉर लॉन्ग रह चुके हैं, और उनका जो माइंड है वह वर्ल्डली माइंड बन चुका है, दुनिया की तरह
सोचने वाला बन चुका है और एंड आर फुल ऑफ सिंस गिल्स एंड वॉइस, पूरे भरे पड़े हैं पाप से दोष से, क्योंकि पोएट का मानना है कि जो वर्ल्डली माइंड है वह बिना पाप बिना दोष का हो ही नहीं सकता। आगे देखिए, द इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड आर नाउ अवे फ्रॉम हिम, अब वो बचपन की जो शुद्धता है, वो भोलापन, वो ईमानदारी जो एक बचपना में होती है, आर नाउ अवे फ्रॉम हिम, उनसे वह दूर जा चुका है, अब उनके पास वो नहीं है। सो फाइनली, तो अंत में ही प्रेज टू अलमाइटी, फ्रेंड्स अलमाइटी सर्वशक्तिमान, जिनके पास दुनिया की हर ताकत हो उनको बोला जाता है, और अलमाइटी यहाँ पर गॉड के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। ही प्रेज टू अलमाइटी, वहाँ वह सर्वशक्तिमान अलमाइटी से यह प्रार्थना करते हैं फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ हिज चाइल्डहुड अगेन, कि उनका जो बचपना है वो फिर से उसको रीस्टोर करें, फिर उसको बचपना में भेजें, सो दैट ताकि ही मे बी फ्री फ्रॉम ऑल सिंस एंड वॉइसेस, ताकि वो जो दुनिया की जो पाप है, जो दोष है, उनसे वो फ्री हो सके, और विच विल एनेबल हिम टू रिटर्न टू गॉड, और वो सारी पाप जो सारे दोष उनके अंदर है वो धुल जाए, और वो फिर उन योग्य बन सके कहाँ, रिटर्न टू गॉड, भगवान के पास वापस जाने की, और ये गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे पोएट। तो फ्रेंड्स, इस पूरे पोएम का समरी पढ़ने के बाद यही रियलाइज होता है कि पोएट काफ़ी दुखी है, बहुत ही दुखी है वो दुनिया में आकर के, और युवा अवस्था में आकर के, यानी बचपना से निकल करके वो बहुत दुखी है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो माइंडली वर्ल्डली थॉट है, जो दुनिया की जो विचार है, दुनिया के हिसाब से यदि सोचते हैं तो वो पूरा पाप और दोष से भरा हुआ है, कहीं भी प्योरिटी नहीं दिखाई दे रही है, यदि प्योरिटी दिखाई दे रही है तो वो सिर्फ बचपन में ही दिखाई दे रही है, और गॉड से पोएट प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ऊपर वाले, फिर रीस्टोर कर दो हमारे चाइल्डहुड को, बचपना को, फिर हमें वहाँ पर भेज दो, ताकि हम ये जो पाप जो दोष दुनिया की है हम उससे मुक्त हो जाए, और फिर से वो हैवनली लाइफ जी सके, जिसे हैवनली लाइफ चाइल्डहुड को यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो पूरे समरी पढ़ने के बाद हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक के देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।